हेलो एवरीवन, नितिल उपाध्याय दिस साइड। और आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्लॉट्स हो, सारी अपडेट लेकर आता रहता हूं। तो आज फिर मैं इस प्रोजेक्ट की तीसरी से चौथी बार वीडियो शूट कर रहा हूं। जब वीडियो बनाता हूं काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पर, इस प्रोजेक्ट पर। तो इसलिए आज फिर मैं आप सभी के लिए इस प्रोजेक्ट की अपडेट लेकर आया हूँ। ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है, ऑन रिंग रोड रहने वाला है, हाई राइज प्रोजेक्ट रहने वाला है, और लोकेशन जो रहेगी दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में बन रहा है, जहाँ के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूंगा तो काफी अच्छा इसमें अच्छा रेट है अदर प्रोजेक्टों से और अच्छी कनेक्टिविटी है। तो आइए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। अभी आप मेरे को देख रहे हैं, ये मैं सॉडी हाइट प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है, ये साइट है। एक बार आप साइट देखेंगे तो ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहा है। टोटल जो लैंड पैच रहने वाला है इसमें 3.3 एकड़ की लैंड पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसमें आपको 3 BHK सर्वेंट रूम और 4 BHK के फ्लैट इसमें मिलने वाले हैं, वो भी सारी एमिनिटीज के साथ, जिसमें आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, जिम, बैडमिंटन कोर्ट, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है इस सोसाइटी के अंदर, इस अपार्टमेंट के अंदर। तो अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट की लोकेशन की, क्योंकि जो भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होता है तो सबसे पहले हम कनेक्टिविटी और आसपास की सुविधाएं देखकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी मैं लोकेशन बताता हूँ। तो ये मेन रिंग रोड पे रहेगा, जो कि हमारा हाईवे से लेके कनेक्ट होके आजादपुर, पंजाई बाग, रजौरी गार्डन को टच करते हुए धोला कुआं की साइड ये रिंग रोड निकलता है, और यहीं पर आजादपुर और पंजाई बाग के बीच में हमारा पड़ता है नेताजी सुभाष प्लेस और सकूरपुर। तो सकूरपुर के साथ में ही ब्रिटानिया चौक है, ब्रिटानिया चौक पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। जो ये लैंड है, ये पहले नेफेड का कोल्ड स्टोरेज हुआ करता था, जो कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये ऑप्शन में लैंड ली है, और ये फ्री होल्ड प्रोजेक्ट रहने वाला है, और इसमें हाई रेस सोसाइटी बन रही है, जो कि यहाँ के ऑन रिंग रोड पर, अभी तक दिल्ली के अंदर रिंग रोड पर कोई भी हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये पहला प्रोजेक्ट रहने वाला है हाई राइज, जिसकी हाइट जो होने वाली है G+24 फ्लोर की होने वाली है। अब मैं बात करता हूँ इसमें जो आसपास जो देखते हैं रेजिडेंशियल लेने से पहले, कि यहाँ पर स्कूल है कि नहीं, कॉलेज है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। अगर पास में ही देखेंगे, अगर सामने अगर आप देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो भी एक हॉस्पिटल बन रहा है अभी, और यहाँ के आसपास अगर आप देखेंगे तो कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सारी चीजें आपको यहीं आसपास मिलने वाला है। अब मैं बात करता हूँ मेन वर्किंग स्पेस का। तो आपको अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया देखेंगे तो यहाँ से पास में ही पड़ता है वजीरपुर, जो कि वो भी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो अगर आपका काम इंडस्ट्रियल एरिया में है तो आपकी कनेक्टिविटी के लिए आसान रहेगा। बात करूं ऑफिस वर्किंग की, तो हमारे प्रोजेक्ट के साथ में ही नेताजी सुभाष प्लेस है, जो कि ऑफिसों का पूरा हब माना जाता है, जहां पर लगभग काफी सारे ऑफिस, गिनती नहीं है मेरी, लेकिन बहुत बड़ा हब है ऑफिसों का, जहां पर CA हो गए, एडवोकेट हो गए, कॉरपोरेट, मतलब सारे ऑफिसेस वहीं से ऑपरेशनल होते हैं। तो अगर आप ऑफिस खोलना चाहते हैं तो आप यहां से, आपकी कनेक्टिविटी मात्र 5 मिनट की होने वाली है। अब मैं बात करूं कनेक्टिविटी की, तो आपका रेलवे स्टेशन यहां से 10 मिनट के डिस्टेंस पे रहने वाला, जो कि सकूरपुर बस्ती रेलवे स्टेशन आपको मिल जाएगा। और मेट्रो स्टेशन की बात कर लेते हैं, मेन होता है कि मेट्रो स्टेशन, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन, तो हमारा यहां से रिंग रोड पे ही सकूरपुर मेट्रो स्टेशन है, जो कि पिंक लाइन आपकी रहने वाली है, जो कि मजलिस पार्क से लेके आपका एंड, मतलब ये सरोजिनी नगर, ये सारी चीजें मेट्रो स्टेशन कनेक्ट करते हुए शिव विहार की साइड जाती है। तो पिंक लाइन आपका मेट्रो स्टेशन हो गया इसमें। तो अब आप सोच सकते हैं, जहां पे आपकी कनेक्टिविटी, सारी सुविधाएं, आपकी वर्किंग स्पेस को लेके, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, सारी चीजें आपको इस प्रोजेक्ट में इन सब चीजों की फैसिलिटीज मिल रही है। तो अब आते हैं हम प्रोजेक्ट पे। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले बताता हूं मैं बिल्डर के बारे में। तो गैलेक्सी ग्रुप इसका डेवलपर होने वाला है दिल्ली के अंदर। इनका 4 से 5 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, मैं बताता हूँ पहले इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर रखे हैं, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है। बात करूं प्रोजेक्टों की, तो गैलेक्सी ब्लू सफायर, गैलेक्सी प्लाजा,
ये कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं और काफी बड़े बड़े हैं और चलते फिरते प्रोजेक्ट हैं। अब मैं बात करूँ रेजिडेंशियल की, तो गैलेक्सी रॉयल, गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू सेकंड, ये सारे प्रोजेक्ट भी हैं जो कि डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं, रेडी टू मूव हो चुके हैं और उसमें लोग रह भी रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर्ड कर रखे हैं। अब मैं बात करता हूँ जो दिल्ली के अंदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है रनिंग में, तो इनके जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले रोहिणी सेक्टर 18 में आया था कमर्शियल प्रोजेक्ट, जो कि एस पर रेरा 2025 का डिलीवरी डेट है। तो अभी आप जाके देखेंगे तो फिनिशिंग पर चल रहा है और उसे 2024 में ही डिलीवरी दे रहे हैं, एक साल पहले। तो आप देख सकते हैं कि बिल्डर का रिकॉर्ड है कि कोई भी प्रोजेक्ट रेरा से डिले नहीं हुआ है, जो भी रेरा ने टाइम दिया उससे पहले ही प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट इनका नितेश सुभाष प्लेस में आया था, जो कि कमर्शियल है, ऑफिस स्पेस है, साथ में ही 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, वो भी पूरा सोल्ड आउट है। तीसरा प्रोजेक्ट इनका पश्चिम विहार में आया था, जो कि पूरा कमर्शियल बना रहे हैं। चौथा प्रोजेक्ट इनका एक नोवल्टी सिनेमा हुआ करता था चांदनी चौक पुरानी दिल्ली में, तो वहां पे भी इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा हूँ आपके भी। तो ये पांचवा प्रोजेक्ट है लॉरेंस रोड पे, जो कि इनका पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रहने वाला है। और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी मैंने आपको सारी चीजें बताई दी, तो अब आते हैं हम प्रोजेक्ट पे। तो ये टोटल 3.3 एकड़ में ये बन रहा है प्रोजेक्ट। अगर आप देखेंगे एंट्रेंस, तो एक हमारा एंट्रेंस ये रहने वाला है, जो कि ऑन रिंग रोड को कनेक्ट करता है ब्रिटानिया चौक से, और दूसरा एंट्रेंस आप सामने देख रहे हैं वो होने वाला है, जो कि ये भी ब्रिटानिया की साइड से आपका रिंग रोड को कनेक्ट करता है। तो दोनों साइड से आपका अच्छा एंट्रेंस है। अब इसमें बन क्या कह रहा है, तो इसमें 3 BHK, 3 BHK सर्वेंट रूम और 4 BHK के फ्लैट इसमें आपको मिलने वाले हैं, सारी अमेनिटीज के साथ, जो आजकल हाई राइज में होता है। अब मैं एक बार बात कर लेता हूँ साइजेस की, तो इसमें साइजेस जो रहेंगे 2271 स्क्वायर फीट रहेगा, 2645, 2552 और 3054 स्क्वायर फीट का साइज इसमें रहने वाला है। तो साइजेस का हो गया। अब मैं पेमेंट प्लान की पेमेंट की बात करता हूँ, प्राइस की। तो प्राइस बताने से पहले मैं एक बार अदर जो प्रोजेक्ट हमारे रनिंग में है वो बताता हूँ। यहाँ पे दिल्ली में अभी आप देखें तो DLF का चल रहा है, तो वहाँ पे 3 BHK की स्टार्टिंग लगभग 5 से 5.5 करोड़ से स्टार्टिंग होती है 3 BHK के फ्लैट पे। और हमारा अभी तार्क वालों ने प्रोजेक्ट लॉन्च करा है कीर्ति नगर में, मोमेंट स्मॉल जहाँ हुआ करता था, वहां पे जो 3 BHK का अगर आप फ्लैट देखेंगे तो वहां पे 7.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट है 3 BHK। तीसरा प्रोजेक्ट मैं कंपेरिजन करूँ तो यूनिटी करोल बाग में जो बन रहा है, उसकी भी 3 BHK का अगर आप प्राइस देखेंगे तो 6 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट आपकी उसमें रहती है। तो आइए हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, जिसकी लोकेशन भी आपकी अच्छी रहने वाली है, सारी कनेक्टिविटी, सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिलने वाली है। तो इसका जो मैं एक तरह से आपको प्राइस बताता हूं, तो इसका आपका 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट रहने वाला है, जो कि सारे टावरों का सेम रहने वाला है। 4 टावर है इसमें, 4 टावर में आपका एक 2 3 BHK के टावर है, 1 3 BHK सर्वेंट रूम का टावर है और 1 4 BHK का टावर रहने वाला है। तो प्राइस 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट रहने वाला है, 1,000 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट रहेगा बिल्डर की साइड से, तो 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट हो गया। मतलब आपकी 3.5 CR से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है 3 BHK की। तो ये तो हो गया ऑन कॉल ऑन वीडियो वाला रेट। अगर बेस्ट रेट अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो देख के ना जाएं, मेरे को नंबर नीचे दिया गया जो नंबर है, नितिन उपाध्याय नाम लिखा हुआ है, इस नंबर पे मेरे को कॉल करें, फिर मुझसे बेस्ट रेट ले सकते हैं। बाकी आइए मैं प्रोजेक्ट और बताता हूँ आपको। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई दी है, कनेक्टिविटी बता दी है, कंपैरिजन बता दिया है कि दिल्ली के अंदर अगर आप सर्च कर रहे हैं ना, तो ऐसी लोकेशन के साथ इससे ज्यादा नीचे के रेट आपको मिल नहीं सकता। अगर गोदरेज भी देखेंगे, अशोक विहार में भी गोदरेज लॉन्च होने वाला है, तो उसमें भी आपकी लगभग 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट लॉन्च होएगा पर स्क्वायर फीट का। तो इसमें काफी अच्छा रेट आपको मिल रहा है, काम भी स्टार्ट हो चुका है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, और जो इसका डिलीवरी टाइम मैं आपको बता रहा हूँ तो 2027 का इसमें डिलीवरी टाइम रहेगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है इसका पेमेंट प्लान क्या होगा। तो पेमेंट प्लान जो इसमें रहने वाला है वो आपका 10% देके आप बुकिंग करवा सकते हैं, जो कि 10% आप
देके टोकन अमाउंट देके आप बुक करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 40 से 45 दिन का टाइम मिलता है जो कि आपको 25% आपको तब पे करना है, मतलब 35 35 30 का हमारा पेमेंट प्लान रहने वाला है। 35% आपको अभी देना है, जैसे कि 10% अभी आपको डेढ़ महीने का टाइम, ज्यादा मैक्सिमम डेढ़ महीने का टाइम मैं दे दूंगा आपको, उसमें आपको 25% तब देना है। और 35% आपको ऑन सुपरस्ट्रक्चर पर देना है, जब आपका दिखने लग जाएगा कि हाँ मेरा टावर पूरा खड़ा हो चुका है, तब आपको 35% देना है। और 30% ऑन पोजिशन देना है रेस्टी के टाइम पे। तो अभी भी आपको इस प्रोजेक्ट को लेके कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट ना करें, क्योंकि कमेंट का मैं रिप्लाई करूं या ना करूं, सीधा मेरे को नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। इस प्रोजेक्ट में आपको सारी चीज बता दी है, लोकेशन बता दी है, कनेक्टिविटी बता दी है, पेमेंट प्लान बता दिया है। पेमेंट को लेकर आप अभी थोड़ा वैसे देखेंगे तो अदर प्रोजेक्ट जो भी चल रहे हैं उनसे काफी अच्छा रेट मेरा है, 17,500 रुपए, 1,000 रुपए का इनॉग्रल डिस्काउंट। बाकी पेमेंट ये जो प्राइस है ये कॉल पे रहने वाला है, आप मुझे कॉल करते हैं तो बेस्ट टू बेस्ट रेट मैं आपको देने वाला हूँ। मैं हर वीडियो में आपको यही बात बोलता हूँ कि बेस्ट रेट लेने के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए अपनी साइट विजिट बुक करवाने के लिए और मुझसे अच्छा रेट लेने के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। मेरा नाम नितिल उपाध्याय है और अपनी साइट विजिट बुक करवाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।